यूपी में मदरसों को लेकर सर्वे का काम पूरा, रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, 8496 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त। 10 सितंबर को मदरसे सर्वे का काम हुआ था शुरू। सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की समीक्षा करके करेगी कार्रवाई। यूपी में चल रहे मदरसा सर्वे का काम पूरा हो गया है। 10 सितंबर 2022 से यूपी में शुरू हुए मदरसा सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। राज्य में सभी 75 जिलों में हुए सर्वे के बाद ये सामने आया है कि 8500 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। ये सर्वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर किया गया, जिसकी निगरानी खुद राज्य सरकार मदरसा बोर्ड कर रहा था। नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ने यूपी के मदरसों का सर्वे कराए जाने की गुजारिश की थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार की तरफ से सरकार को खत भेजा गया था, जिसके बाद सभी जिलाधिकारियों को प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का हुक्म दिया गया। कहा गया कि एसडीएम के नेतृत्व में टीम गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों की तादाद, सहूलियतें, छात्र छात्राओं की हालात का सर्वे करें। सर्वे के दौरान मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 25,000 से ज्यादा मदरसों की संख्या निकल कर के सामने आई, जिनमें 16,517 मदरसे मान्यता प्राप्त पाए गए हैं, जबकि 8,496 गैर मान्यता प्राप्त। आपको बता दें कि मदरसा सर्वे की फाइनल रिपोर्ट सोमवार को मंत्री ने दाखिल की। अब तक 70 जिलों की रिपोर्ट शासन के पास आ चुकी है और बाकी बचे 5 जिलों की रिपोर्ट बाद में जमा की जाएगी। 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट आना शेष रह गई थी, वो आज आ गई है। अब बैठकर आज समीक्षा होगी। 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनकी रिपोर्ट आ चुकी। सर्वे का अर्थ यही होता है, भौतिक स्थिति मदरसों की क्या है, उनमें पढ़ाई किस स्तर पर हो रही है, उन्होंने जो मदरसों का मानक है उस मानक को क्या वो पूरा कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रही है, आदि आदि बातों पर। मदरसा में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए सर्वे कराया गया है। सर्वे में मुख्य रूप से ये पता किया गया कि मदरसों में आय का स्रोत क्या है, साथ ही भवन, पानी, फर्नीचर, बिजली व शौचालय का क्या इंतजाम है और कौन संस्था संचालित कर रही। इसके अलावा मान्यता की स्थिति, छात्र संख्या और सुरक्षा का इंतजाम, पाठ्यक्रम व पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या जैसे विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल की गई। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद के मुताबिक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर सभी मदरसों को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। पूरे उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का कार्य लगभग सम्पन्न हो चुका है। सर्वे के डेटा रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो रहे हैं। सर्वे बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे ढंग से सम्पन्न हुए हैं। शुरुआत के दिनों में चंद खानदानी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने गुमराह करने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने संवाद किया और मदरसों के लोगों से बातचीत करके संविधान के दायरे में रह करके सर्वे को संपन्न कराया। लगभग 8,500 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो हमें जानकारी में आए हैं। आने वाले दिनों में इस पर हम सब समीक्षा करके उनके लिए भी योजनाएँ बनाएंगे और उनको भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मदरसों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। मदरसे भी पूरे विश्वास के साथ हम सबसे जुड़ रहे हैं और मदरसों के अंदर सुबह प्रार्थना के समय राष्ट्रगान का होना, आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और अभी सर्वे के दौरान मदरसों के लोगों ने ये भरोसा दिला दिया, ये विश्वास दिला दिया कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और मदरसों के लोगों का विश्वास भी हमारी सरकार ने प्राप्त कर लिया। बता दें कि मदरसा बोर्ड ने पिछले 7 सालों में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी है। सर्वे के बाद इन्हें भी मान्यता के लिए प्रेरित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सर्वे असली या नकली के नहीं, बल्कि शिक्षा और शिक्षा के केंद्र की, उनकी संख्या, उनकी व्यवस्था आदि के लिए सही जानकारी प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।